सलोन सर्किट के अंतर्गत आने वाले थाना सलोन नसीराबाद व डी के मध्य वॉलीबॉल एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ क्षेत्राधिकारी सलोन इंद्रपाल सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। क्षेत्राधिकारी इंद्रपाल सिंह द्वारा तीनों थानों की टीमों से परिचय प्राप्त करके प्रतियोगिता का को प्रारंभ कराया गया। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक डी राकेश सिंह यादव, थाना सलोन के पंकज त्रिपाठी, थाना अध्यक्ष नसीराबाद श्रीराम पांडे व तीनों थानों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त थाना डी के गणमान्य नागरिक व अन्य लोग भी मौजूद थे। हम आपको बताएं कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता में थाना नसीराबाद की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस टीम के खिलाड़ी थानाध्यक्ष श्रीराम पांडे, आरक्षी निशांत सिंह, आरक्षी हरेंद्र सिंह, आरक्षी दीपक कुमार मिश्रा, आरक्षी मोहित लांबा, आरक्षी ब्रजेश पटेल, आरक्षी संदीप यादव, आरक्षी योगेश यादव, आरक्षी विशाल कुमार व थाना डी की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस टीम के खिलाड़ी निरीक्षक राकेश यादव, उप निरीक्षक दिलीप पासवान, मुख्य आरक्षी राम अवतार यादव, आरक्षी विक्रम सिंह, आरक्षी प्रशांत तिवारी, आरक्षी अजय वर्मा, आरक्षी सुखराम, आरक्षी राकेश शिल्पकार, आरक्षी सुमित शर्मा तथा थाना सलोन की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। टीम के खिलाड़ी थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, आरक्षी अभिषेक कुमार, आरक्षी शिव कुमार, आरक्षी रवि चौरसिया, आरक्षी विवेक कुमार, आरक्षी जितिन कुमार, आरक्षी दीपक वर्मा, आरक्षी मुकेश रहे। कबड्डी प्रतियोगिता में थाना नसीराबाद टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वही थाना डी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस टीम के खिलाड़ी सभी मौजूद थे। थाना सलोन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के समापन में क्षेत्राधिकारी सलोन इंद्रपाल सिंह के द्वारा वॉलीबॉल तथा कबड्डी की शील्ड प्रथम स्थान प्राप्त थाना नसीराबाद की टीम को प्रदान की गई तथा वॉलीबॉल कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार भी दिया गया। हम आपको बताएं कि इस तरह के खेल कूद प्रतियोगिता से एक नई ऊर्जा भी मिलती है और रायबरेली पुलिस द्वारा थाना डी व वॉलीबॉल कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पर लोगों में एक अच्छा जोश दिखाई पड़ा। S7 की डेस्क रिपोर्ट।